जयपुर में कांग्रेस विधायक रफीक खान के साथ हुई बदसलूकी को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही इस तरह की घटना की निंदा की गई। विरोध करते हुए एनएसयूआई सहित छात्र नेताओं ने पुतला भी दहन किया। इधर प्रदर्शन से पहले कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। दरअसल पुलिस ने प्रदर्शन से पहले स्टूडेंट्स की आईडी कार्ड की जांच की, जिसमें स्टूडेंट्स के पास आईडी कार्ड्स ही नहीं थे। देखो, एक विधायक पर जिस तरीके से हमला होता है, अब आम जन इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकता है सुरक्षा की। ऐसी घटना अगर होती रही प्रदेश के अंदर तो प्रदेश का तो बैठा बैठ जाएगा। पहले भी हमारी मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से, आपको पता ही है देश के अंदर किस तरीके की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, चाहे उदयपुर की घटना देख लो, चाहे जोधपुर की घटना देख लो, आज फिर एक एमएलए के ऊपर इस तरह का हमला होके, तो आप और हम तो उम्मीद ही नहीं कर सकते। ये मैसेज तो आप उनके विधानसभा क्षेत्र से देना चाहिए था, यूनिवर्सिटी क्यों सुना गया? देखो, सभी लोग यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, हम भी यूनिवर्सिटी के लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं सब यूनिवर्सिटी के हैं, तो हमारा पहले दायित्व बनता है कि हम यूनिवर्सिटी के अंदर ही करें। अच्छा, कुछ छात्रों को पुलिस पकड़ के ले गई, क्या कहा पुलिस ने? देखो, ये तो भाजपा की साजिश है और कुछ प्रशासन के लोग हैं जो भाजपा से मिले हुए हैं, उन्होंने पहले ही लड़कों को उठा के थाने में भगवा दिया और यहाँ जो और लड़के थे उनको उधर उधर कर दिया गया। देखिए, 28 तारीख को जो रफीक खान हमारे एमएलए आदर्श नगर से, उनके घर के बाहर एक दुर्घटना हो जाती है। एक विकास नाम के आदमी ने उनके आगे जानलेवा हमला करने की कोशिश की है और वहाँ के जो वहाँ कुछ साथी थे उन्होंने ज़बरदस्ती रफीक खान को बचाया है, ने उसका पूरा प्लानिंग के अनुसार वो आया था। ये सरकार की बिल्कुल इसी में निंदा है, हम इसकी निंदा करते हैं और आज विश्वविद्यालय में समस्त छात्र शक्ति उसके लिए रफीक खान के लिए करोड़ सिक्योरिटी के लिए सुरक्षा मांगती है और विषय भी सरकार को मुर्दाबाद और उसकी